नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन टेनमेंट यूट्यूब चैनल। तिरुवनंतपुरम से कसारा गोद मात्र 4 घंटे में। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में शायद थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा हो, लेकिन 2024 से आप लोगों को ये 12 घंटे का सफ़र मात्र 4 घंटे में पूरा करने का मौका मिलेगा। और ये सब पॉसिबल हो पाएगा तिरुवनंतपुरम से कसारा गोद के बीच में बनने वाले 532 किलोमीटर लंबे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की मदद से, जहाँ पर ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागती दिखने वाली है। ये कॉरिडोर तिरुवनंतपुरम से अगर कसारा गोद के बीच में तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। और दोस्तों, ये हाई स्पीड ट्रेन तिरुवनंतपुरम से लेकर कसारा गोद के बीच में 8 स्टेशन पर रुकेगी। दोस्तों, अगर हम लोग तिरुवनंतपुरम से लेकर कसारा गोद के बीच में सभी स्टेशन के बारे में बात करें, तो तिरुवनंतपुरम से चलकर ये ट्रेन सबसे पहले कोल्लाम में रुकेगी, जिसकी दूरी 55 किलोमीटर की होगी और इसको पूरा करने में मात्र 24 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद में ये ट्रेन चेंगन्नूर में रुकेगी, जहाँ की दूरी है 108 किलोमीटर और इसको पूरा करने में मात्र 48 मिनट लगेंगे। चेंगन्नूर से चलने के बाद में 142 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद में ये ट्रेन 1 घंटा 3 मिनट में कोट्टयम पहुंचेगी। कोट्टयम से ट्रेन निकलकर पहुंचेगी एर्नाकुलम, जहां पर इस ट्रेन का 195 किलोमीटर का सफर पूरा हो जाएगा और इसे पूरा करने में 1 घंटे और 26 मिनट लगेंगे। एर्नाकुलम से निकलकर 259 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद ये ट्रेन पहुंचेगी थ्रिसुर और यहां तक का सफर पूरा करने में इस ट्रेन को मात्र 1 घंटा और 54 मिनट लगेंगे। थ्रिसुर से निकलने के बाद में तकरीबन 316 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद ये ट्रेन 2 घंटे 19 मिनट में पहुंचेगी थिरुर। थिरुर से निकलने के बाद में ये ट्रेन पहुंचेगी कोझिकोड़े, यहाँ का सफर पूरा करने में इस ट्रेन को 2 घंटे 37 मिनट लगेंगे, जिसमें ये ट्रेन 257 किलोमीटर का सफर पूरा कर लेगी। दोस्तों, कोझिकोड़े से निकलने के बाद में ये ट्रेन कुन्नूर होते हुए आखिरकार कसारा गोद पहुंचेगी, जहां पर इस ट्रेन का 532 किलोमीटर का सफर पूरा हो जाएगा और इस सफर को पूरा करने में इस ट्रेन को मात्र 3 घंटे 52 मिनट लगेंगे। और वहीं अगर अभी हम लोग हमारी नॉर्मल ट्रेन की बात करें, तो नॉर्मल ट्रेन में आप लोगों को इतना सफर पूरा करने में तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर आप लोगों के तकरीबन 8 घंटे का समय बचेगा, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। दोस्तों, अब बात निकलकर यह आती है कि यह प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि 2020 में इसका काम शुरू हो जाएगा और 2024 तक यह कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 2024 में प्रतिदिन इस ट्रेन में 68,000 लोग यात्रा करेंगे और यह नंबर 2051 में बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम से लेकर थिरुर के बीच में ये पूरा कॉरिडोर एक नए अलाइनमेंट के साथ में बनाया जाएगा, क्योंकि अभी के अलाइनमेंट में 350 से ज्यादा मोड़ हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई भी हाई स्पीड ट्रेन चलाना नामुमकिन है। अब अगर हम लोग बात करें कि इस प्रोजेक्ट में लगने वाली लागत कितनी होने वाली है, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में तकरीबन 56,000 करोड़ रुपए लगेंगे और गवर्नमेंट फंड जुटाने के लिए काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में बात कर भी रही है, जिसमें जर्मनी के एक बैंक से 7,100 करोड़ रुपए का लोन लिया जाने वाला है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $1 मिलियन का लोन लिया जाएगा और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से $3 मिलियन का लोन लिया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन का काम भी शुरू कर दिया है और काफ़ी जल्दी आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों, कुछ यही था हमारा तिरुवनंतपुरम से लेकर कसारा गोद के बीच में बनने वाला 530 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, जिसके बारे में मुझको आप लोगों को बताना था। अब दोस्तों, आप लोगों के इस कॉरिडोर के बारे में क्या व्यूज़ हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये कॉरिडोर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा, और हमारे देश में और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसे कॉरिडोर बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों के जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो उनको ज़रूर से आप लोग शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके साथ में दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रेलवे से रिलेटेड ऐसी ही बहुत सारी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।